कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग जिनके साथ थे, जिन पर इतना विश्वास करते हैं और जिनको हम लोग मानते थे कि एक कुशल नेतृत्व करता है और बिहार को उस जंगल राज से उबारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और जनता उस रूप में जानती थी, अगर उस स्तर से इस तरह की बातें आती है तो थोड़ा दुख होता है। हम छोटी पार्टी हैं तो आप भी गरीब हैं, तो जिस तरह से छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है, गरीबों पर भी यही उनकी निगाहें हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, और आज सतर्क हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर जो इस विचारधारा के लोग हैं वो अपने आप सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। हमें क्या मिटाएंगे, खुद मिट जाएंगे। आज लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने कहाँ से आए, बहुत बड़े घर के तो नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे। नीतीश कुमार क्या था, एक साधारण व्यक्ति थे। जीतन राम मांझी क्या, एक बंधुआ मजदूर के बेटा थे। देखिए, पार्टी नहीं छोड़े हैं, गठबंधन छोड़े हैं। गठबंधन जी, गठबंधन भी हम छोड़े हैं, उसके पीछे कारण है जो स्वयं उन लोगों ने जाहिर कर दिया, सारी बातों को बता दिया कि हम करना चाहते थे। और हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है और उस स्तर पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो उस स्तर पर जाके बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, छोटी दुकान बोल रही हैं, बोल रहे हैं और बहुत सारी बातें जो सुनने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग जिनके साथ थे, जिन पर इतना विश्वास करते हैं और जिनको हम लोग मानते थे कि एक कुशल नेतृत्व करता है और बिहार को उस जंगल राज से उबारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और जनता उस रूप में जानती थी, अगर उस स्तर से इस तरह की बातें आती है तो थोड़ा दुख होता है। बाकी हम लोग किस कारण से अलग हुए आप सबको पता ही है, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग महागठबंधन में रहना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, गरीबों की आवाज़ बनना चाहते थे, लेकिन उसका कोई गम नहीं है। हम लोग जहाँ रहेंगे सड़क पर संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, मालिक है, और जमहूरियत में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके वोट से ही हम लोग प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, तो उनके बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और कहेंगे कि आप गरीब हैं, हम छोटी पार्टी हैं तो आप भी गरीब हैं। तो जिस तरह से छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है, गरीबों पर भी यही उनकी निगाहें हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, और आज सतर्क हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर जो इस विचारधारा के लोग हैं वो अपने आप सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। हमें क्या मिटाएंगे, खुद मिट जाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर बात करने वाले, मतलब CBI या फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोग अब खुद ही निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्राधिकृत दल है उनको दुकान की संज्ञा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है आपका, और ये सवाल आपको पब्लिक डोमेन में भी देना चाहिए। आप एक चीज मान लीजिए कि जो बाबा साहेब पर विश्वास करते हैं, हमारे संविधान पर विश्वास करते हैं, इस देश की अखंडता पर विश्वास करते हैं, और ये देश जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, पूरे लोकतंत्र की जननी है हमारा बिहार, खास करके लक्ष्मी वैशाली की हम बात करते हैं, और उस जगह से कोई व्यक्ति जो यहाँ से निकला हुआ हो और वो व्यक्ति अगर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे, क्या हम कोई चाइना नहीं है और कहीं ऐसा नहीं कि यूनिटरी सिस्टम है कि एक पार्टी सिस्टम पर चल रहा है, तानाशाही चल रहा है। उस तानाशाही से ओतप्रोत है, उस तानाशाही को ये लाना चाह रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं। जब कोई बड़ी पार्टी इनके लिए बोला तो इनको बहुत खराब लगा, और जब इनके ऊपर आया था ये छोटी पार्टी इनको परेशान कर रहा है। देखिए, मांझी जी ने जो बोला, एक पिता का उद्गार था, हर पिता अपने बच्चों के लिए भला चाहता है, बच्चों के लिए चाहता है कि अच्छा करे, और एक हर पिता का सपना होता है। आप भी अगर पिता होंगे, बनेंगे, तो आप भी अपने बच्चों के भविष्य की बात करेंगे, वो उनका अलग बात है। लेकिन मेरा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पर, कि लोकतंत्र सबके लिए खुला हुआ, आपके लिए भी खुला हुआ है, एक गरीब मजदूर है उसके लिए भी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है उसके लिए, सबको एक वोट देने का अधिकार है, और जनता तय करती है कौन मुख्यमंत्री बने। कोई PhD चाहे मैट्रिक फेल, ये सब का कोई योग्यता का कोई आधार नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई रिटर्न परीक्षा नहीं होता, जनता के बीच में जाना होता है, जनता को संतुष्ट करना होता है, जनता को अपने विचारों से और अपने उसूलों से, अपने विजन से, और आप किस मुद्दे को ले जाकर के जनता के बीच में जाते हैं, जनता आपको अगर मानती है तो आपको वोट देती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर हम अपने मुद्दों को लेकर के गरीबों के हित के लिए और गरीब के पास जाएंगे, गरीब हमसे अगर कन्विंस हो जाएंगे, हमारी बातों को मान लेंगे, हमारे तरफ आ जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसका उदाहरण है। आज लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने कहाँ से आए, बहुत बड़े घर के तो नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे। नीतीश कुमार क्या था, एक साधारण व्यक्ति थे। जीतन राम मांझी क्या, एक बंधुआ मजदूर के बेटा थे।
उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो कौन से बड़े थे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको लोग मिटाना चाहता है। इसको लोग मिटाना चाहता है तो बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर नहीं है, उनको निश्चित जवाब देगा। शोषित और वंचित की आवाज अब तक आप उठा रहे थे, आपके पास मंत्रालय भी था, अब आप सरकार से बाहर है, शोषित और वंचित समाज के लिए संतोष सुमन अब कैसे आवाज बुलंद करें? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को, एक अहम जिम्मेवारी थी और उस जिम्मेवारी के बहुत पहले हमको समय नहीं मिलता था, अब तो मैं फ्री हूँ और मैं हमेशा कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। मैं कभी अपने आप को मंत्री नेता इस तरह से नहीं प्रेजेंट किया हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया और मैं जाके अपने लोगों के बीच में बैठ के खाना खाऊंगा, उनका दुख दर्द जानूंगा, उनका प्यार बांटूंगा और उनमें विश्वास पैदा होगा तो निश्चित तौर पर और हम मजबूत होंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और एक अच्छे विकल्प रूप में बिहार में हम लोग फिर से उभरेंगे और अभी भी हैं और मजबूती से उभरेंगे और ये जो उभार होगा उनको दिन में तारे नजर आएगा। लोकतंत्र के लिए घातक है और ऐसे बोलने वाले लोग निश्चित तौर पर हम समझते हैं लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी नहीं है और इनके हाथों में अगर सत्ता है, इनके हाथों में जनता अगर सत्ता सौंपती है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी विश्वासघात का काम करेंगे, इसलिए हम गरीब लोगों से यही कहते हैं कि अभी भी सतर्क हो जाए। देखिए, हम लोग तो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं कि जाति व्यवस्था से पार्टियाँ चलती है चाहे कुछ होती है। मान लीजिए उन लोग को यह है कि किसी अमुक जात को समर्थन करके आए हैं और किसी जात के एडवोकेसी करते हैं, हम तो गरीबों का नारा दिए, हमारी पार्टी ने कहा कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीब हो एक हो और हम लोग सबके लिए बात किए जो गरीब है, इवन स्वर्ण भाई भी है, उनके आरक्षण की बात सबसे पहले हमारे नेताजी तनाम मांझी कह रहे हैं। तो हम इस बात को नहीं मानते हैं कि दलित कोई नहीं है, दलित कोई बात नहीं होता, किसी भी पार्टी में जाकर लड़ सकते हैं, कोई जरूरी है कि पार्टी हमारा है तो हम सिर्फ एक ही कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दलित को रिप्रेजेंट, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों को यही होना चाहिए तभी इस राज्य का विकास होगा, इस मानसिकता से उनको उभरना चाहिए। अब उनको सोचना है कि हाँ, जितेंद्र मांझी एक बड़े नेता थे और नेता इसलिए जाने जाते थे कि उनको अपार समर्थन था गरीबों का और उनको लगा कि समर्थन हमारे इनके समर्थन से हम लोग जब आगे बढ़ने लगे तो मीडिया में आने लगे और लोगों के बीच में आने लगे, हम लोग यात्रा निकालने लगे तो समर्थन देख करके बौखलाहट हो गया और लगा कि हम लोग जो झूठे तौर पर नेता बने हुए हैं, जो बर्रा के नेता बने हुए हैं, हमारी पोल खुल जाएगी और हमसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए इसको शट डाउन कर दो, इनको दुकान को शटर बंद कर दो, जो उन दुकान कहते हैं, दुकान तो बहुत ओछी बात है, लोकतंत्र में पार्टी को जो संवैधानिक तरीके से आया हुआ उसको दुकान कहना सबसे ओछी बात है, उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इनको अपने में मिला लो, विलय कर लो, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हम जैसे हैं लिवादा उड़े हुए हैं अच्छा बनने का, वो हमारा कायम रखेगा, हमको कोई एक्सपोज करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरह का सामान्य व्यवस्था और सोच विचारधारा है जो हम लोग इस तरह की बात करते हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।